हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन यादव और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आल डीजे सपोर्ट पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोग जिस सेटिंग को ढूंढ रहे थे, आज हम वही सेटिंग लेके आए हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने डीजे नेम वोकल पर इको इफेक्ट कैसे लगाते हैं, जो हमारा डीजे का नेम होता है उस पर इको इफेक्ट कैसे लगाते हैं। जैसा कि आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि मैं अपने डीजे सॉन्ग्स प्ले करता हूं, कि इसमें मेरा नाम, मेरा मिक्सिंग का नाम इको में कितना बेहतर तरीके से बजता है। इसी तरह आप लोग भी अपना डीजे वोकल नेम इफेक्ट पर लगा करके बेहतर तरीके से बजा सकते हैं। दोस्तों, मैं एक ऑडियो आपके सामने प्ले करने जा रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि मैंने कितने अच्छे तरीके से अपना डीजे मिक्सिंग पर अपना नाम वोकल ऐसे तरीके से लगाया है कि वो काफ़ी अच्छा इको पर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो उसके बाद मैं पहले आपको सुना के दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको सेटिंग बताऊंगा कैसे करते हैं। दोस्तों, मैं एक गाना आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि इस तरह बजता है। ये आपके सामने मैं गाना प्ले कर रहा हूँ। आपने एक बार इसमें देखा कि मेरा नेम से जब बज रहा था, उसमें एक बार पहले तेजी बोला पवन मिक्सिंग, उसके बाद फिर धीमे 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 पवन मिक्सिंग ऐसे बोलता चला गया। दोस्तों, इसको आप आराम से सेट कर सकते हैं। बस आपको इसे सेट करने के लिए फ्रेंड्स अपने वोकल नेम पर डीजे का जो इको इफेक्ट है उसे लगाने के लिए आपको विशेष कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको इंटरनेट पर जाना है। इंटरनेट पर जा करके आपको सिंपली गूगल में क्रोम ब्राउज़र पर आप एफएल स्टूडियो डाल देना, उसमें से एक सॉफ्टवेयर निकलेगा जो कि मेरे लैपटॉप पर ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो आप उस सॉफ्टवेयर को खोल लेंगे, जैसे कि आपके सामने मैं खोल रहा हूँ। आपके सामने ये एफएल स्टूडियो सॉफ्टवेयर खोल रहा है। यही सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जिससे आप अपने डीजे नेम वोकल पर अच्छे से इको इफेक्ट, रिवर्ब इफेक्ट इत्यादि लगा सकते हैं। तो हम आपको इसे करके बता रहे हैं कैसे करना होता है। दोस्तों, अभी मैं अपना एक नाम निकालूंगा जो कि एकदम सिंपल में है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं लगा है। आपके सामने मैं पहले इसे सिंपल में प्ले करूंगा। ये आपके सामने, इसे आप देखिए, सुनिए पहले, एकदम सिंपल सा बज रहा है, बिल्कुल बेकार लग रहा है। डीजे चंदन ये आपके सामने डीजे चंदन एकदम सिंपल सा बजा है। दोस्तों, इस पर इफेक्ट लगाने के लिए आपको सीधा इसे एफएल स्टूडियो, मैंने इसे खोल लिया पहले से, ये खुला हुआ है। आप इसे मिनिमाइज करके इस वोकल को उठा के यहाँ पर इसकी पिच पर छोड़ देना है। ऐसे मैंने इसे पिच पर ड्रैग करा। अब क्या करना है, सीधा इस पर डबल क्लिक ऐसे कर देना है, इसी के ऊपर दो बार ऐसे क्लिक कर देना है, तो ये वाली लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, इसमें आप एफएक्स में, यहाँ पर एफएक्स लिखा है, इस एफएक्स पर एक खींच के ऐसे ड्रैग कर देना होता है, यहाँ पर एक आ जाएगा, एक या दो किसी में भी चैनल में ऐड करना होता है। इसे चैनल से लिंक करने से हमें आसानी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसमें हम यही जो FX1 सेलेक्ट किया था, इसी के ऊपर फिर दो बार क्लिक करेंगे। दो बार क्लिक करते ही इसमें मिक्सर मास्टर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको बजा के देखेंगे। देखो, डीजे चंदन ये कई बार डीजे चंदन एकदम सिंपल सा बज रहा है। ठीक है, मैंने उसे मिक्सर पर ऐड कर दिया है। अभी इसका ये FX में ऐसे गए, अब यहाँ पर पहले नंबर जो मिक्सर मास्टर था, इसमें पहले नंबर पर ऐसे हम क्लिक करके यहाँ पर रिवर्ब टू अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर रिवर्ब टू है, इसमें ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये रिवर्ब टू की सेटिंग्स है, इसमें से जैसा भी छेड़ सकते हो सेटिंग्स, लेकिन ऐसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो बस क्या, आप बजा के अगर देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा बजेगा। डीजे चंदन। आपने देखा कितना अच्छा इफेक्ट इसमें आया है। अभी तो इफेक्ट की शुरुआत है, आगे देखना और अच्छे इफेक्ट आने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखें। अब इसमें फिर एक बार डबल क्लिक करें, यहाँ पर FX1 पर फिर से डबल क्लिक करने के बाद दो नंबर की इस एरो पर आना है, क्लिक करना है। यहाँ से हमें डीले बैंक चुनना है। डीले बैंक का एक यहाँ पर कोई ऑप्शन होगा, डीले बैंक, ये फ्रूटी डीले बैंक, इसमें क्लिक कर देना है सिंपली।
और इसको जो यहाँ पर तीन फेडर दिखते हैं आपको, ये इसमें से जो जो कम नीचे है इससे हम ऊपर दोनों को बराबर कर देते, जिस तरह बाजू वाले बराबर म्यूजिक बराबर कर देते हैं, बस सिंपल ही है। अब हम बजा के देखेंगे तो पूस के अंदर ई को लग चुका है। डीजे चंदन, 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 डीजे चंदन। दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से इसमें हमने इस सिंपल से वोकल पर ई को अप्लाई कर दिया है। अब आप इसे स्क्रीन पर सेव भी कर सकते हैं। देखने इसके लिए आपको सीधा यहाँ फाइल पर जाना है, फाइल में जाके सेव पर ऐसे क्लिक कर देना है। सेव में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप में क्लिक कर देना है, यहाँ पर इसका जो भी नाम देना है नाम दे दें, और ये जो सेव सेव एज टाइप लिखा है इसमें आके आपको MP3 या वेव कर लेना है। हम MP3 कर लेते हैं, बस आपको सेव पर ऐसे क्लिक कर देना है और स्टार्ट सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये कम्प्लीटली सेव हो चुका है। अब हम इसे कट कर देते हैं और बाहर आपको सुनाते हैं कैसा बना है। ये यहाँ पर पड़ा है दोस्तों। डीजे चंदन, डीजे चंदन, डीजे चंदन, डीजे चंदन, डीजे दोस्तों हमने इसे ऐसे इसी मिक्सर से इसी सॉफ्टवेयर से इसे रेडी कर दिया है। यही सेटिंग्स आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं। मोबाइल में जो है आपको एप्पल स्टूडियो 300 कुछ रुपए प्ले स्टोर में पे करने के बाद आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है। अगर आपको उस मोबाइल एफएल स्टूडियो को चलाना नहीं आता है, उससे सेटिंग करना नहीं आता है, तो आप हमको कमेंट में बता दें तो हम उसका भी वीडियो बना के आपके पास सेंड कर देंगे। और अगर इस सॉफ्टवेयर पर एफएल स्टूडियो में तुमको बनाने में कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपको पूरा सॉल्यूशन देंगे यहाँ से। दोस्तों अगर आपको डीजे से संबंधित या किसी भी टेक्नोलॉजिकल किसी भी मिक्सिंग सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स बॉक्स पर ज़रूर लिखें, हम उसका पूरा रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो को बनाने का रीज़न भी यही था कि काफ़ी मेरे दोस्तों ने मेरे सब्सक्राइबरों ने काफ़ी ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स किए थे कि फ्रेंड्स हमें बता दो यार कि अपने डीजे नेम पर इको कैसे अप्लाई करते हैं। तो अपने दोस्तों को प्यार के लिए मैंने ये वीडियो बना दी। दोस्तों की कमेंट आई थी मेरे पास कि मेरे दोस्त एक वीडियो बना दो कि इफेक्ट कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जितने भी डीजे वाले दोस्त हैं सब काफ़ी अच्छे से अपने डीजे सेटअप पर अपना नाम बजाएं, अपने डीजे को और बेहतर बनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।